My dear friends, now I am taking all homes. According to section 10(1), the state government may establish as many special homes as may be necessary for the reception of delinquent juvenile under this act. My dear friends, special homes what is the definition of special home? According to section 10(1), the state government may establish as many special homes as may be necessary for the reception of delinquent juvenile under this act. Sathiyo, इससे पहले मैंने बताया था आपको जुवेनाइल होम्स, यानी जुवेनाइल होम्स में कौन से बच्चे रखे जाया करते? नेगलेक्टेड जुवेनाइल्स यानी आवारा बच्चे। और सरकार का उद्देश्य क्या था? उन बच्चों को जुवेनाइल होम्स में रख करके उनको अच्छा बनाना, उनके चरित्र का निर्माण करना, एजुकेशन देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना और उनका शारीरिक और मानसिक विकास करना, ये साथियों उद्देश्य था। सेम इसमें भी वही बात है, फर्क क्या है ये देख लो। जुवेनाइल होम्स में रखे जाते थे नेगलेक्टेड जुवेनाइल्स यानी आवारा बच्चे, जैसे मैंने उसमें आवारा बच्चों की डेफिनेशन बताई। स्पेशल होम में कौन से बच्चे रखे जाते हैं? डेलिक्वेंट जुवेनाइल। अब मैं डेलिक्वेंट जुवेनाइल की परिभाषा बताऊंगा। डेलिक्वेंट जुवेनाइल कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(e), डेलिक्वेंट जुवेनाइल मीन्स ए जुवेनाइल हु हैज बीन फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। साथियों, ये डेलिक्वेंट जुवेनाइल कौन से होते हैं? बच्चे तो वो वैसे ही होते हैं जैसे नेगलेक्टेड बच्चे होते हैं। नेगलेक्टेड जुवेनाइल हैं, ये डेलिक्वेंट जुवेनाइल भी वैसे ही है, लेकिन ये कोई न कोई ऑफेंस करते हैं। वो ऑफेंस नहीं करते, वो आवारा घूमते हैं, और ये बच्चे कोई न कोई ऑफेंस जो है कमिट कर देते हैं, यानी ये है डेलिक्वेंट जुवेनाइल्स who has been found to have committed an offense। और फिर इन बच्चों को जब ये कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं, इन बच्चों को पुलिस के द्वारा या किसी और सरकारी एजेंसी के द्वारा इनको स्पेशल होम्स में रखा जाता है। स्पेशल होम्स का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सेम है जो जुवेनाइल होम्स का ऑब्जेक्ट था, वही स्पेशल होम का ऑब्जेक्ट है। एवरी स्पेशल होम टू विच ए डेलिक्वेंट जुवेनाइल इज सेंट अंडर दिस एक्ट शैल नॉट ओनली प्रोवाइड द जुवेनाइल विद अकोमोडेशन, मेंटेनेंस एंड फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज करेक्टर एंड एबिलिटीज एंड गिव हिम नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर हिज रिफॉर्मेशन एंड शैल ऑल्सो परफॉर्म such other function as may be prescribed to ensure all round growth and development of his personality। साथियों, object special home का भी वही है, यानी इन delinquent बच्चों को उसके अंदर रखा जाता है और क्या किया जाता है, इनको वही सुविधाएं दी जाती हैं, accommodation की सुविधाएं, maintenance की सुविधाएं, सभी फैसिलिटीज होती हैं दी जाती हैं, इनको एजुकेशन की सुविधा दी जाती है और सभी ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं जिससे इनके करेक्टर का विकास हो, डेवलपमेंट हो और इनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो और ये समाज में रहने लायक बन जाएं, इस प्रकार से इनकी रिफॉर्मेशन भी की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, एक ये डेलिक्वेंट जुवेनाइल हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और ऑफेंस करते हैं, इनको स्पेशल होम में रख करके एक
ऐसा सभ्य व्यक्ति बनाते हैं जो समाज में एडजस्ट हो सके। इनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं स्पेशल होम के अंदर। साथियों, ये था स्पेशल होम। तो दो दो तीन बात रखनी है, याद रखनी है। स्पेशल होम, सरकार के द्वारा स्पेशल होम बनाए जाते हैं अंडर सेक्शन S10। और इनमें कौन से बच्चे रखे जाते हैं स्पेशल होम्स में? डेलिक्वेंट जुवेनाइल। और डेलिक्वेंट जुवेनाइल कौन से होते हैं? जो कोई ना कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं सेक्शन 2E के अंडर, ये है डेलिक्वेंट जुवेनाइल। और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेशल होम क्या है बनाने का? ऑब्जेक्ट स्पेशल होम बनाने का वही है, इनका ऑलराउंड डेवलपमेंट। अब ऑलराउंड डेवलपमेंट में आप सब कुछ समझ लीजिए, इनके करेक्टर का निर्माण, इनकी पर्सनैलिटी का निर्माण, इनको एजुकेशन देना, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, इनका शारीरिक विकास, इनको समाज में रहने के योग्य बनाना, ये सारा मेन ऑब्जेक्ट है स्पेशल होम का। यही साथियों था जुवेनाइल होम्स का उद्देश्य। जुवेनाइल होम्स का उद्देश्य भी यही और स्पेशल होम्स का भी उद्देश्य यही, लेकिन अंतर क्या है फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ सर। साथियों, जुवेनाइल होम्स में नेग्लेक्टेड जुवेनाइल रखे जाते हैं, यानी जो आवारा बच्चे वैसे ही घूमते रहते हैं। कहीं कहीं समाज में आपने देखा होगा वो आवारा बच्चे जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया, और इसमें डेलिक्वेंट जुवेनाइल रखे जाते हैं स्पेशल होम में। ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। तो साथियों, मैं ऐसा समझता हूँ कि दोनों वीडियो, जुवेनाइल होम्स और स्पेशल होम्स, अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।